तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, टेस्ट का टाइम आ चुका है। हमने बताए थे कि इस तरह से जो है इन दोनों डीसी मोटर को कितना लोड किस में जो है गियर मोटर में और एक नॉर्मल मोटर में है, किस में ज़्यादा लोड उठा पाएगा, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। हम ठीक है, टेस्ट करके दोनों मोटर में कितना लोड ये उठा पाएगा। तो पहले हम इस नॉर्मल मोटर को इस्तेमाल करेंगे, है ना। और ये ईंट आप लोग जो क्या बोलते हैं इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप देख पा रहे हैं ये कितना इसका वेट है, काफ़ी ज़्यादा इसका वेट है ना। तो हम इसमें जो है पहले से एक धागा इसमें बांध दिए हैं ना, धागा कनेक्ट करके हम इसमें जो है इस तरह से उठाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि कितना इसमें ताकत लग रहा है। हम अगर एक उंगली से इसे उठाएंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम इसको उठा नहीं पा रहे। एक उंगली से मेरा उंगली आप देख पा रहे कितना ये डाउन हो जा रहा है ना। तो हम अपने हाथों से ये इसको नहीं उठा पा रहे हैं उतना ताकत लगा करके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे जो है यहाँ पे अपने मोटर पे कनेक्ट करते हैं और इसी के सहायता से हम यहाँ पे सबसे पहले उठाएंगे इसको। इसमें इस मोटर से ये उठा पा रहा है इसको कि नहीं, है ना। तो हम इसको जो है अभी कनेक्ट कर दिए हैं, इस तरह से रहने दीजिए, देते हैं, है ना। और हम ये चला चाहिए और ये धागा जो है काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए हम इसको पहले से इसमें थोड़ा लगा दे रहे हैं और हम आपको चेक कर दिखाएंगे ये इसे इधर खींच पाता है कि नहीं, ठीक है, यहाँ से, है ना। उसके बाद हम इसे उठाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं वायर, है ना। और यहाँ से तो गाइस चलिए अब हम इसमें देते कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसे खींच पाता है कि नहीं। तो हम इसे मोटर को थोड़ा ताकत से पकड़ेंगे। तो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसे खींच नहीं पाए, थोड़ा सा भी इसे हिला नहीं पाए इस मोटर से, काफ़ी स्पीड घूम रहा है। लेकिन इसका जो है टॉर्क आप देख पा रहे हैं, हम इसे आपको चेक करके दिखाते हैं और दिखाए भी थे, ये स्पीड घूम रहा है, इसे तुरंत ये जो है पकड़ में आ जा रहा है और ये मेरे हाथों में भी ये आराम से रुक जा रहा है ना। रुक नहीं रहा लेकिन धीरे धीरे स्लो हो जा रहा है ना। अब चलिए ये तो हो गया फेल, इससे काम नहीं किया, ये काफ़ी पावरफुल मोटर है फिर भी, लेकिन ये स्पीड के मामले में है ना। फैन मोटर वोटर बना सकते हो इससे, लेकिन ये जो है इससे फैन नहीं बनेगा, बल्कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें पावर है। तो इसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं इस धागे से, है ना। आप देख पा रहे कि कितना राउंड हुआ कि ये धागा भी इस तरह से फोल्ड हो गया। तो इसको भी जो हम यहाँ से फ्रेश कर लेते हैं, है ना, काफ़ी से दूर पे रखते हैं। और अब हम जो है इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हम कर लिए हैं, है ना। अब हमें इसे देना पावर, तो चलिए अब इसमें देते हैं पावर, देखते हैं कि इसमें कौन सा ज़्यादा लोड यहाँ पे ले पा रहा है। और कमेंट करके बताना गाइस क्या ये जो है इसे खींच पाएगा क्या नहीं। तो चलिए इसमें देते हैं पावर, तो यहाँ पे घूमना स्टार्ट हो गया है ना। और देखते हैं कि वो खींच पाता है कि नहीं, इसका साउंड नोटिस। हम हाथ से नहीं खींच रहे हैं, थोड़ा सा भी आप देख पा रहे हैं। आपने तो देखा कि ये जो है खींच ले रहा, खींचना थोड़ा उसका उतना वेट नहीं रहता है खींचना। लेकिन अब हम इसको जो है ऊपर उठाएंगे, है ना, ऊपर की ओर खींचेंगे कि ऊपर ये खींच पा रहा है कि नहीं ऊपर की ओर। तो हम इसको ये ऐसे कर देंगे और इसे थोड़ा यहाँ रखते हैं ताकि पता चलेगा कि ये यहाँ से इसे उठा रहा है कि नहीं। अब मेरा मोटर जो है काफ़ी हाइट पे है, आपको मोटर नहीं दिख रहा होगा, और ये रहा इसका मोटर। धीरे धीरे हम सामने ले आएंगे जैसे उठाते जाएगा। तो हम इसको पावर दे दिए, स्टार्ट कर दिए हैं,
और यहाँ से आपको पता चलेगा। तो हम धीरे धीरे जो है इसे डाउन करेंगे अभी मोटर को, है ना। उसके बाद हम इसे आपको लाइव देंगे कि ये उठा पा रहा कि नहीं इसे। तो मेरा जो है यहाँ पे मोटर दिखना आपको स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और देखते हैं इसे ईंट को उठा पाता है कि नहीं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं इसे भी जो है ये उठा लिया। बहुत ही आसानी से ये उठा ले रहा है, ये नहीं कि थोड़ा सा रुका हुआ है, तुरंत गाइस तुरंत से इसे उठा ले रहा है। तो आपने देखा इसका साउंड से पता चल गया कितना वेट है इस ईंट में, है ना। हो सकेगा कि इससे डबल ईंट भी उठा लेगा। तो चलिए और एक किट लाते हैं और इसमें कनेक्ट करके हम देखते हैं कि इसे उठा पाता है कि नहीं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं दूसरा ईंट। तो गाइस चलिए मैंने जो है दूसरा ईंटा ले आए हैं और इस ईंट को भी हम इसके साथ ही कनेक्ट करेंगे, है ना। और इसे किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको भी यहाँ से खोल लेते हैं, है ना। धागा थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन, है ना। थोड़ा इसे उठा के देख लेते हैं हाथों से, उठ रहा है फिर टूट जा रहा है धागा, नहीं चलो उठ ही टूट गया। टूट गया नहीं, ये जो है धागा नहीं टूटा है, ये धागा खुल गया। लो ये हो चुका है, अब इसे उठाते हैं और एक बार देखते हैं। हाँ ठीक है, अब क्या लगता है दो ईंटा को ये ईंट को उठा पाएगा कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी इसे मन में क्या चल रहा है आपका। तो चलिए इसे अब उठाते हैं, है ना। ऐसे में दिखेगा कि हाँ दो ईंट है इसमें। अब चलिए यहाँ पे इस पर कनेक्ट करते हैं, इनसे तो होगा नहीं पता लग गया होगा। और इसे चलिए यहाँ पे कनेक्ट करते हैं जैसे पहले किए थे। तो हम इसे अब चलिए यहाँ पे देते हैं पावर और आप देखिएगा लाइव। और यहाँ से तो चलिए देख पा रहे यहाँ पे सीट को ही। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसको खींचने लगा, इस सीट को उठाने लगा है, है ना। हमें लगता है कि रेशम टूट जाएगा लेकिन जो है ये मोटर अभी तक अब हार नहीं माना है। अब देख पा रहे हैं ना, धीरे धीरे स्लो हो गया है मोटर लेकिन वो भी उठा रहा है इसे। तो वैसे यहाँ पे देख पा रहे कि इसे जो है इसे भी उठा लिया है, है ना। तो वैसे मेरा हाथ ही थक गया इसे उठाते उठाते, है ना। तो वैसे देखा कि इस मोटर का कितना पावर है गाइस। ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए और एक्सपेरिमेंट करेंगे गियर मोटर को लेके, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और इसे खींचने के बारे है तो देखते हैं खींच पाता है कि नहीं। बाय बाय गाइस।